experience was really unique in many ways. I have been attending on and off Anubhav series and few artists whom I have attended. Every Anubhav has been good as an Anubhav for me also. So today, of course, as far as today's session is concerned, I think Pandit Ajay Chakravarti ji was in his great element, I would say, and it was a learning process, to be honest, because he gave different facets and explained so beautifully. The explanation was very articulate. That is very important for any person to, you know, express. So the difference of classical music, light music, or jazz. You know, then the last, and he ended with that jazz was just awesome. It was mind blowing, I would say. आप पंचम अगर बोलेंगे पा तो 80% ऑफ इंडियन म्यूजिक इज डिपेंडेंट ऑन सा एंड पा. अगर जो मध्यम और सा से है वो भी तो सा और पा हुआ, मध्यम अगर सा हो गया तो सा पंचम हो गया. तो सा पा मतलब हारमोनी, मतलब संवाद. ये वेस्टर्न म्यूजिशियन लोग कभी कभी बोलते हैं कि इंडियन म्यूजिक इज मेलोडी, वेस्टर्न म्यूजिक इज हारमोनी. बहुत गलत बात है. इंडियन म्यूजिक इज द हाइएस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हारमोनी एंड मेलोडी. और वेस्टर्न म्यूजिक इज ऑफकोर्स बेसिकली डिपेंडेंट ऑन हारमोनी, क्योंकि मेलोडी के लिए जो जोड़ना है, कनेक्शन है, वो कम है. वेस्टर्न म्यूजिक के यूनिकनेस है. एक साथ अगर जो है इसका भी तो यूनिकनेस है, वो हम कैसे भूले. मगर उसको हम इंडियनाइज्ड करके भी सोच सकते हैं. ये इसका कहने का मकसद है, जो वेस्टर्न म्यूजिक को इंडियनाइज्ड म्यूजिक करके सोच नहीं सोच सकते. उनका कोई की नोट या उनका कोई जो बेसिक जो एक हम जिसको बोलते हैं मादर सा, वो नहीं है. तो इसको मेरे ख्याल से 3-4 लाइफ हो तो म्यूजिक सीखा जा सकता है. एक लाइफ में कुछ नहीं होता है, किसी को नहीं हो सकता है. कुछ हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, मगर एक लिमिटेड पोर्शन. तो जैसे एक मेलोडी आपको सुना रहा हूं, मैं न्यू ऑर्लीन्स गया था, बहुत दफे गया. तो न्यू ऑर्लीन्स में एक प्रिजर्वेशन हॉल है, वहाँ जैज म्यूजिशियंस लोग गाते बजाते हैं. तो वहाँ मेरा शायद कुछ फोटो वोटो भी है, वहाँ गए थे हम, वहाँ गाना बजाना किया जैज म्यूजिशियन के साथ. तो उनका जो रिलेटिव माइनस स्केल है, सारे सारे गा पा धा सा नी धा पा मा गा रे सा नी धा पा, जो हमारा किरवाने का स्केल है. टा डा 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 एक मेरा बांग्ला में गाना है, घूमा शेना घूमा शेना, बजाओ ना. एक निषाद लगा के छोड़ दिया. दिचोखे, दिस इज फॉर माजी, उनको इनकी देश सुनाता हूं. वो बांग्ला गाना, बांग्ला आता है बहुत. हरी जी तो शायद बंगालियों से अच्छा बंगला बोलते हैं. घूम शेना दो चोखे अमार, घूम शेना दो चोखे अमार, मिश्र है सैक्सोफोन प्लेयर और एक ट्रम्पेट प्लेयर हमारे साथ बजाने लगे उसके साथ.
God, God is above. Whatever God is at home. Come on, man, ये इंडियन म्यूजिक गा सकता है, वेस्टर्न म्यूजिशियन हमारा राग का एक लाइन भी नहीं गा सकता। तो इसका इसका तो हमारा देश का क्रेडिट है। क्या है बजा झिकचा टिक टिकचा झिक झिक झिकचा टिक टिक तबला नहीं है ना। बस कुछ नहीं बना, ठीक है। गदी धरे नीरा दी नीरा दी धरे धरे बोलो 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 दी धरे का बाबा धनी धरे ने घुमा शेना आशेना बात करते करते गाना नहीं होता है। दू चोखे अमार अमार नयन जुड़े आमी कैमन कैमन कटाई जानी ना जानी गाना है कुछ मालूम नहीं। मुझे तो लगता है दिस इज इंडियन म्यूजिक।